कोरोना बीमारी के हमीरपुर में बढ़ते पॉजिटिव मामलों से अब स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है और इसी के चलते अब कोरोना योद्धाओं के भी कोरोना टेस्ट लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हमीरपुर पुलिस थाना में तैनात सभी जवानों और होमगार्डों के कोरोना टेस्ट लिए गए। हमीरपुर पुलिस थाना के साथ ट्रैफिक नियंत्रण कक्ष में पुलिस कर्मियों के कोरोना टेस्ट लिए गए। करीब 100 पुलिस जवानों के टेस्ट लिए गए। इस अवसर पर बीएमओ टोनी देवी आर के अग्निहोत्री भी मौजूद रहे। बीएमओ टोनी देवी आर के अग्निहोत्री ने बताया कि कोरोना योद्धाओं के कोरोना टेस्ट लिए गए हैं, जल्द ही इनकी रिपोर्ट आएगी। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। डॉक्टर का कंसर्न है, सबसे पेशेंट को बताते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फोन करें और डेली इनका टेम्परेचर और सांस की ना जो फेफड़ों की स्थिति जो हो ऑक्सीजन की स्थिति है वो देखी जाती है। इसमें कोई प्रॉब्लम तो टेस्ट कर दिया जाता है, अगर वो ठीक है तो 10 दिन के बाद उसका टेस्ट करते हैं और अगर वो नेगेटिव आ जाए तो फिर 5 दिन के बाद फ्री है। ऐसा ही देखो पहला केस जब आया था 17 अप्रैल को या वार्ड नंबर 8 में, तब से लेकर हमारी टीमें जो हैं लगातार फील्ड में जा रही हैं और किसी भी टीम मेंबर ने हमने कोई भी एक छुट्टी नहीं की है पिछले 4 महीनों से, चाहे वो संडे हो चाहे मंडे हो चाहे सैटरडे हो चाहे थर्सडे हो चाहे दिवाली हो चाहे कुछ हो, हमने कोई छुट्टी नहीं की है। डेली हमारी टीम में वो टेस्टिंग कर रही है और बेस्ट से बेस्ट सुविधा देने की कोशिश कर रही है। घर पे जाकर सैंपल ले रहे हैं, क्वारंटीन सेंटर ले रहे हैं, गाँव में सैंपल ले रहे हैं और लगभग हमने इस वक्त 4,000 से ऊपर सैंपल ले चुके हैं पिछले कल तक, जो कि मेरे को लगता है हिमाचल में रिकॉर्ड भी है। हॉस्पिटल मेडिकल का जो इंचार्ज है वो प्रिंसिपल और मेडिकल सुपरिटेंडेंट होते हैं, ये रिकॉर्ड नहीं करता, लेकिन जो NAC एरिया है आपका शहर का एरिया है उसके सैंपल सभी सैंपल हमने लिए टोनी देवी ब्लॉक में लिए, उनमें उन्होंने कोई सैंपल है वो जो ब्लॉक टोनी देवी के अंदर आता है। NAC का सैंपल, क्वारंटीन का सैंपल वो सभी हमने लिए, वो अपने जो उनके मरीज दाखिल है या किसी का ऑपरेशन होना है वो सैंपल उन्होंने लेना, उनका बाहर का काम नहीं है, उनका अंदर का काम है। जो कोई मरीज दाखिल है किसी ऑपरेशन करना है भी DCC है हमारा डिस्ट्रिक्ट LIT में बनाया है, यहाँ पे हम उन लोगों को रख रहे हैं जिनमें बिल्कुल हल्के सिम्टम है या साथ में कुछ बीमारी है, अन्यथा सरकार ने ये कहा है कि अब घर में ही रखा जाएगा और ये स्टार्ट कर दिया जिसको बोलते हैं होम आइसोलेशन, इसलिए अब कैसे होम आइसोलेशन जो है शुरू कर दी गई है। कितने आइसोलेशन जैसे मेरे ब्लॉक में मैंने 12 लोग कर दिए, अभी 12 लोग घर कर दिए और 4 लोग उसमें ठीक हो गए जो कि नेगेटिव आ चुके हैं। जो होम आइसोलेशन में हैं उनके लिए क्या होता है, उसके लिए कोई ये लोग जो है प्रतिदिन काफ़ी लोगों से मिलकर मुलाकात होती है और उसमें पता नहीं होता कि कोई लोग पॉजिटिव तो नहीं है, क्योंकि लोग बस स्टैंड पे रहते हैं, नाकों पे रहते हैं, काफ़ी लोग इनसे मिलते हैं और पिछले फिर हफ्ते में देखा गया है कि हॉस्पिटल में स्टाफ को भी पॉजिटिव हमारी काफ़ी हैं, हम एक पर भी लोग आए हैं और तो एक प्रिकॉशनरी मेजर के ऊपर भी हम कर रहे थे और एक रिक्वेस्ट ये है कि जो डीजी होते हैं इनके तो इन लोगों का जो टेस्ट किया जाए। लास्ट मंथ भी हमने टेस्ट किया था पुलिस डिपार्टमेंट के 66 लोगों का, वो सभी लोग नेगेटिव आए गए थे। आज ट्रैफिक पुलिस है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस इससे भी ज़्यादा जो है वो वल्नरेबल है, वो रिस्क पे है, मतलब 90 से 100 लोगों का टेस्ट हम करने जा रहे हैं ट्रैफिक पुलिस वालों का आज, और इनका रिजल्ट कल तक आ जाएगा, अभी बता पाएंगे कि आगे क्या।